आप सभी दोस्तों, जैसा कि आपको बताया मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था फिटर को लेकर के, जिसको लगभग 20-25 हज़ार लोगों ने देखा और काफ़ी सारे लोगों ने नीचे ये कमेंट किया कि भाई आप ये बताओ क्या फिटर का काम करने के लिए हमको फिटर की डिग्री या फिर कोर्स करना ज़रूरी है, या फिर हम काम सीख करके भी जॉब कर सकते हैं, और अगर हम काम सीख करके जॉब करते हैं तो हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूँ भाई, एक बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि आप कोई भी काम करो, फिटर कर रहे हो, वेल्डर कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, दुबई में आपकी डिग्री को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपके प्रैक्टिकल स्किल को जितना देखा जाता है कि आप कितने तरीके से प्रैक्टिकली काम करते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोर्स लेकर के बैठा हुआ है डिग्री और आपको काम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको सैलरी भी आपके हिसाब से मिलेगी, आपकी डिग्री देख के नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर आपने कोर्स भी नहीं किया है लेकिन आप काम एकदम अच्छे तरीके से करते हो, दोस्तों मैं कई सारे लोग ऐसे जानता हूँ जो कि ITI डिप्लोमा कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है, बस वो इलेक्ट्रिशियन में, कोई इलेक्ट्रिशियन में ट्रेंड है, कोई फिटर में एकदम बेस्ट है, कोई वेल्डर में बेस्ट है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी का जैसे सैलरी 60,000-80,000 रुपये मंथली लोग अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ अपने तरीके से टिप्स देना चाहता हूँ कि आप ये करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप फिटर का कोर्स करो, आप 10वीं के बाद फिटर का काम सीख भी सकते हो, आप कहीं पे भी काम पे लग सकते हो स्टार्टिंग लेवल में। और मैं आपको बता दूँ सीखने के भी पैसे मिलते हैं इंडिया में, या फिर कहीं पे भी आप अगर काम सीख रहे हो फिटर का, वेल्डर का, उसके भी पैसे मिलते हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं फिटर का कोर्स करके पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। तो बस एक चीज़ हो जाता है कि फिटर का कोर्स करने से एक डिग्री हो जाती है हमारे पास कि भाई हमारे पास एक डिग्री हो गई तो बेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है, बट बाकी सब वही है, आप पैसे उतना ही अर्न कर सकते हो अगर आप काम सीख लेते हो फिर भी। ठीक है, जैसे कि पता है आपको, जब इंटरव्यू होती है फिटर का, वेल्डर का, दुबई वीज़ा के लिए होता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकल होती हैं, कि जैसे कि प्रैक्टिकली आपका काम देखा जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिटर का, वेल्डर का काम सीख के भी आप काम कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं आप ITI कोर्स ही करो। तो ये चीज़ हो जाती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर डाउट हो तो कमेंट करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।